चलिए एक बार शेयर कर दो, उसके बाद शुरू करेंगे। चलिए जितना बच्चे हैं वही काफी है, एकदम वही नाम रोशन करिए एजुकेशन स्टडी का। जितना बच्चे अभी लाइव में उतना ही काफी है एजुकेशन स्टडी के नाम रोशन करने के लिए। आज का क्लास में आपको करवाने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 का फिलोसफी का 50 क्वेश्चन। फिलोसफी का 50 क्वेश्चन कवर करवाने, बायलर क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा। इसलिए सब बच्चे एग्जाम जाने से पहले भी यह वीडियो देख कर जाइएगा। यहाँ से कम 15 से 20 क्वेश्चन एक वीडियो से पूछेगा। 4 से 5 को वीडियो कवर करवाएंगे जिसमें 70-75 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें 50 क्वेश्चन को आप आराम से आंसर लगाकर आ सकते हैं। 100% यह क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए सब बच्चे वीडियो को एकदम पूरा ध्यान से देखेगा, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करिएगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी जो लाइव में ऑफलाइन भी देखिएगा वो उनको लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट यह वीडियो होने वाला है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहां जाकर जुड़ जाएगा, पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। 12th फिलोसफी का आज यह करवाने वाले हैं, 50 क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन एग्जाम 2022 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए education.study.co गूगल पर सर्च मार के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास का प्रथम क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के प्रणेता है, बौद्ध दर्शन के प्रणेता कौन है? 4 ऑप्शन है, महावीर, महात्मा बुद्ध, गौतम, शंकर। बौद्ध दर्शन के प्रणेता कौन है? बहुत बढ़िया, महात्मा बुद्ध जो लगा रहे हैं उनका गजब का आंसर है, महात्मा बुद्ध है। बौद्ध दर्शन के प्रणेता महात्मा बुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे गौतम बुद्ध कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बौद्ध दर्शन के अनुसार 8 सत्य है, 8 सत्य क्या है? 4 सत्य 2 3 4 इनमें से कौन है? जल्दी जल्दी से बच्चे आंसर लगाते चलो, हम तेजी में क्लास खत्म करेंगे क्योंकि इंग्लिश का भी क्लास लेना है। इंग्लिश का क्लास चलता है कितना बजे सबको पता है? कितना बजे चलता है इंग्लिश का क्लास, जल्दी से एक बार बताओ कमेंट सेक्शन में। 8:30 से इंग्लिश का क्लास होगा। बहुत सुना क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका 104 है। बौद्ध दर्शन के अनुसार 8 सत्य क्या है? 4 सत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रथम 8 सत्य क्या है? बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रथम 8 सत्य क्या है? सुख, आनंद, दुख का कारण, दुख। जल्दी से राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का। बहुत बढ़िया, दुख हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कारण और काज होते हैं, कारण और काज क्या होते हैं? 4 ऑप्शन है, जल्दी से राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? कारण और काज होता है, क्या होता है? असमान होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे कमाल कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अरस्तु के अनुसार कारण है, अनुसार अरस्तु के अनुसार कारण क्या है? 4 ऑप्शन रहेगा, अकारिक, अंतिम, उपादान और इनमें से सभी। बहुत बढ़िया, करण राज, स्वीटी कुमारी। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या? अकारिक, अंतिम और उपादान हो जाएगा, तीनों राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कारण योग है, कारण का क्या योग है? 4 ऑप्शन है, भावात्मक, असमान, निश्चय, निधात्मक और इनमें से सभी। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन नंबर डी उनका 100 इनमें से सभी हो जाएगा, ये सभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अनुमति के कारण को क्या कहते हैं? अनुमति जो कारण है उसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, शब्द, उपमान, अनुमान और प्रत्यक्ष। जल्दी से राइट आंसर लगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हुआ? बहुत बढ़िया, लविशा गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी लगा उनका 100% अनुमान हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मील के अनुसार कारण है, मील के अनुसार कारण क्या है? 4 ऑप्शन है, भावात्मक उपाधियों का योग, निषेधात्मक उपाधियों का योग, भावात्मक एवं निषेधात्मक उपाधियों का योग, इनमें से कोई नहीं। आप राइट आंसर लगा, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हुआ राइट आंसर? श्वेता। बहुत बढ़िया, ओह श्वेता, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भावात्मक एवं निषेधात्मक उपाधियों का योग होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा चिंतक कारणता के सिद्धांत के संबंधित है? 4 ऑप्शन, हुमो, मील, अरस्तु, इनमें से सभी। जल्दी से राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हुआ? 9 का राइट आंसर, सभी बच्चे जल्दी जल्दी लगाओ। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन में 9 का राइट आंसर ऑप्शन में बी वाले बच्चे कमाल कर दे, मील हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
निम्न में से किसने कहा कि कारण भावात्मक और निषेधात्मक उपाधियों का योगफल है? योगफल है, किसने कहा था? 409 मील, अरस्तु, हुमो, इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे हैं अरस्तु, उनका गजब का आंसर आ रहा है। क्या भावात्मक और निषेधात्मक कारण किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गीता का उपदेश किसके लिए है? 400 निष्काम कर्म के लिए, सकाम कर्म के लिए, कर्म संन्यास के लिए, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर, क्वेश्चन में 11 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, क्वेश्चन में 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, निष्काम कर्म के लिए। गीता का उपदेश में क्या लिखा गया? निष्काम कर्म करते रहिए, फल का चिंता मत करिए। उसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए, आपका फल बहुत ही मीठा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कारण का नियम क्या है? 400 वैज्ञानिक, सामाजिक, दार्शनिक और समान। आप लोग राइट आंसर, क्वेश्चन में 12 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत सुंदर, क्वेश्चन में 12 का राइट आंसर कार्य नियम होता है वैज्ञानिक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन में 13 कहता है कारण क्या होता है? कारण जो है यह क्या होता है? 400 पूर्ववर्ती और अनौपचारिक, नियत और उपयुक्त सभी। जल्दी से राइट आंसर लाओ क्वेश्चन में 13 का। बहुत सुंदर, क्वेश्चन में 13 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन ला रहे डी, उनका 100 में उपयुक्त सभी हो जाएगा। पूर्वोत्तरी हो जाएगा, अनौपचारिक हो जाएगा और नियत भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, कारण के परिणात्मक लक्षण के अनुसार क्या होता है? कारण के परिणात्मक लक्षण के अनुसार क्या होता है? बहुत बढ़िया, कारण काल से बड़ा होता है। कारण काल से बड़ा हो जाता है कब? कारण के परिणात्मक लक्षण के अनुसार, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, महात्मा गांधी ने गीता को कहा है, गीता को महात्मा गांधी ने क्या कहा है? एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, महात्मा गांधी ने गीता को क्या कहा है? उस वक्त बताए थे क्या कहा था? तो बहुत बढ़िया, माता कहा था, गीता को माता कहा था। राइट आंसर क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी के अनुसार गीता माता के रूप में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, उपनिषदों का सार क्या है? 400 देगा गीता, महाभारत, रामायण, बाइबल। जल्दी से राइट आंसर लगा क्वेश्चन में 16 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, करण राज कमाल का, लविशा गुप्ता। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन 16 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन नंबर, ऑप्शन जो बच्चे ए ला रहे इनका 100 गीता है। उपनिषदों का सार क्या है? गीता है। बहुत सुंदर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, जो न्यू एजुकेटर है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। भागवत गीता को कर्म शास्त्र किसने कहा? भागवत गीता को कर्म शास्त्र किसने कहा? 400 देगा भगवान दास, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, नेहरू जी। जल्दी से राइट आंसर, क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, क्वेश्चन में 17 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन में बी, उनका 100% सही है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, योग है, योग क्या है? त्याग, समाधि, ईश्वर से मिलन और इनमें से कोई नहीं। बहुत सुंदर, क्वेश्चन 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईश्वर से मिलन है। ईश्वर से मिलने के लिए योग करना यानी कर्म करना जरूरी होता है, काम अपने कार्य को पूरी एकदम पूरा ईमानदारी से करना जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, गीता में योग का अर्थ क्या? गीता में योग का अर्थ क्या है? 400 देगा परमात्मा का, आत्मा का परमात्मा से मिलन, सिर्फ भक्ति योग को, ए और बी दोनों, उपरोक्त सभी। बाद में क्वेश्चन 19 का राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, गीता का अर्थ होता है, राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं श्वेता, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 20, गीता में मोक्ष मार्ग के रूप में स्वीकार किया गया है, गीता में मोक्ष मार्ग के रूप में क्या स्वीकार किया गया है? 4 ऑप्शन देगा, जल्दी से राइट आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया, उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्या? सिर्फ ज्ञान योग को और सिर्फ भक्ति योग को और सिर्फ कर्म योग को, ये सभी मोक्ष का मार्ग बताया गीता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, चतुर्थ आय सत्य को कहा जाता है, चतुर्थ आय सत्य को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन देगा, मध्यम मार्ग, अष्टांगी मार्ग, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर लगाओ, क्वेश्चन में 21 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बड़े करण, क्वेश्चन 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अष्टांगी मार्ग हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22,
बुध के चतुर्थ आर सत्य को कहते हैं, बुध के चतुर्थ आर सत्य को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन देगा, जल्दी से राइट आंसर लाओ। क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया फूलो भाई, राधे राधे। क्वेश्चन 22 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन नंबर सी, उनका 100% दुख निरोधक मार्ग हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बुध के द्वितीय आर सत्य का संबंध है, बुध के द्वितीय आर सत्य का संबंध किससे है? चार ऑप्शन देगा, दुख से, दुख के कारण से, दुख निरोध से और दुख निरोध मार्ग से। बाद में क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो दुख निरोध से है, बुध के द्वितीय आर सत्य संबंध है दुख के निरोध से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है मनुष्य के तीन प्रवृत्तियां हैं, मनुष्य के तीन प्रवृत्तियां, चार ऑप्शन है, जल्दी से राइट आंसर क्या है? बहुत सुन, मनुष्य के तीन प्रवृत्तियां क्या क्या है? जल्दी से राइट आंसर लाओ। बहुत बढ़िया, सात्विक है, राजसिक है और तामसिक है, ये तीनों प्रवृत्तियां मनुष्य में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कर्म योग में दो शब्द है, कर्म योग में दो शब्द है, कौन कौन शब्द है? चार ऑप्शन है, धर्म और योग, योग और त्याग, कर्म और योग और कर्म और धर्म। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्म और योग है, कर्म योग में दो शब्द कौन कौन है? कर्म और योग शब्द है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत है, निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत क्या है? चार ऑप्शन है, सुख, सुख के लिए कर्तव्य, कर्तव्य के लिए शुभ फल प्राप्ति के लिए, इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन है 26 का राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा, सुख और सुख के लिए होता है निष्काम कर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, निम्न में से कौन सा एक बुद्धिवादी है? चार ऑप्शन, लॉक, बर्कले, डेकार्त और कांट। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन 27 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में सी है, उनका 100 डेकार्त हो जाएगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, करण एकदम गर्दा छोड़ा रहे, बुद्धिवाद के समर्थक है, बुद्धिवाद के समर्थक क्या है? चार ऑप्शन है, जल्दी से राइट आंसर, क्वेश्चन 28 का। बहुत बढ़िया करण, आप गर्दा छोड़ा रहे, क्वेश्चन 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पिनोजा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, बुद्धि के समर्थक है, बुद्धि के समर्थक कौन है? चार ऑप्शन है, जल्दी से राइट आंसर, क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या होगा? बात करें बुद्धि के समर्थक होते हैं इनमें से सभी, कौन कौन? डेकार्त और लाइबनीज स्पिनोजा, तीनों बुद्धि के समर्थक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान को होना चाहिए, बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान को क्या होना चाहिए? चार ऑप्शन दे आप, मिस्टर अक्षय, बहुत बढ़िया चौहान जी। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, सिर्फ सार्वभौमिक और सिर्फ अनिवार्य, दोनों हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, बुद्ध के किस काल सत्य में निर्वाण का मार्ग वर्णित है? चार ऑप्शन है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन में 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, दुख के दुख है इसकी चर्चा बुद्ध अपने किस का आर्य सत्य में करते हैं? चार ऑप्शन देगा, प्राथमिक आर्य सत्य, द्वितीय आर्य सत्य, तृतीय आर्य सत्य और चतुर्थ आर्य सत्य। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, उनका 100% सही है, प्रथम आर्य सत्य में करता है, दुख का चर्चा किस आर्य सत्य में करते हैं? प्रथम आर्य सत्य में करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, दुख के कारणों को निवारण है, दुख के कारण का निवारण किस आड़ में है? चार ऑप्शन है, जल्दी से राइट आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे हैं उनका 100% है, तृतीय आड़ में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, बुध के अनुसार दुख का मुख्य कारण क्या? बुध के अनुसार दुख का मुख्य कारण क्या होता है? चार ऑप्शन, तृष्णा, जाति, नाम, रूप और अवधि। जल्दी से राइट आंसर लाओ, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? 34 का राइट आंसर लाओ सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवधि, अभिविद्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ईश्वर की वास्तविकता क्या है? ईश्वर की वास्तविकता क्या है? चार ऑप्शन दिया, जल्दी से राइट आंसर लाओ क्या होगा? बहुत बढ़िया, 35 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, पर ब्रह्मा हो जाएगा राइट आंसर, परम ब्रह्मा होता है ईश्वर का वास्तविकता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, व्यवहारिक दृष्टिकोण से जगत की सृष्टि पालन और संहार को माना गया, क्या माना गया? असत, जगत, सत और सत्ता। जल्दी से राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, करण, आकाश।
करण आकाश बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। क्वेश्चन 36 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन वसी उनका 100% हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। सत्ताएं तीन प्रकार की होती है, प्रतिभासिक, प्राथमा परमार्थिक और कौन सी होती है? चार दो को दिया हुआ, तेसर क्या होता है? बहुत बढ़िया, व्यवहारिक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। परम तत्व के अनुसार परम सत्ता क्या है? परम तत्व के अनुसार परम सत्ता क्या है? चार ऑप्शन है, प्रत्यय, जड़, तटस्था, इनमें से कोई नहीं। बात बने क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्वस्थ हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। किस तर्क ने जगत के अस्तित्व के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित किया? चार ऑप्शन देगा, जल्दी से राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? बर्जेस खुशवा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सत्तावादी तर्क हो जाएगा राइट आंसर। मात्र एजुकेशन स्टडी पर ही सभी विषय का कवर चलता है, मतलब आर्ट्स का जितना भी सब्जेक्ट है सभी का कवर चल रहा है। सर 6 बजे आज थोड़ा कोई कम के कारण 7 बजे से क्लास लिए है, सर 6 बजे से क्लास होता है। क्वेश्चन 40, शंकर के अनुसार परमार्थिक सत्ता है, परमार्थिक सत्ता क्या है? चार ऑप्शन है, ईश्वर, जगत, जीव और ब्रह्मा। लालू सिंह बहुत बढ़िया, आकाश, करण, ब्रजेश। क्वेश्चन में 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्मा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 41। ग्रीक दर्शन के जनक कौन है? ग्रीक दर्शन के जनक कौन है? चार ऑप्शन, सुकरात, थेलेज, अरस्तु और प्लेटो। जल्दी से राइट आंसर लगाओ। क्वेश्चन में 41 का राइट आंसर क्या हुआ? बहुत बढ़िया, क्वेश्चन में 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थेलेज हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 42। सुकरात के पहले सूफी मत आया उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है, जल्दी से राइट आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया राजेश। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्क्रॉट हो जाएगा राइट आंसर, स्क्रॉट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। प्लेटो का दर्शन किस सिद्धांत से आरंभ होता है? चार ऑप्शन है, बुद्धिवाद, अनुभववाद और ज्ञान सिद्धांत, इनमें से सभी। बहुत सुंदर, क्वेश्चन में 43 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन ला डी उनका 100% इनमें से सभी होते हैं। कौन-कौन? बुद्धिवाद, अनुभववाद और ज्ञान सिद्धांत, ये तीनों प्लेटो में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। आधुनिक दर्शन ने विकास किया, आधुनिक दर्शन ने क्या विकास किया? चार ऑप्शन है, जल्दी से राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 का क्या होगा राइट आंसर? एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर दो, बहुत ही कम बच्चे हैं, मजा नहीं आ रहा है। बहुत बड़े करण, लालू सिंह, खुशबा, विकास कुमार। क्वेश्चन में 44 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका 100% सही आ जाएगा, तत्व मीमांसा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की स्थापना कांट द्वारा की गई है? चार ऑप्शन है, बुद्धिवाद, अनुभववाद, समीक्षावाद और संशयवाद। जल्दी से राइट आंसर। क्वेश्चन 45 का क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए जो लाल उनका गजब का बुद्धिवाद हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46। बुद्धिवाद ज्ञान की पद्धति को स्वीकार करता है, क्या ज्ञान की पद्धति को स्वीकार करता है? जल्दी से राइट आंसर लाओ। बहुत सुंदर, जो बच्चे ला रहे क्वेश्चन 46 का राइट आंसर ऑप्शन में उनका 100% है, निगात्मात्मक हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक है, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? चार ऑप्शन, शंकर, बादरायणा और रामानुज और गौरपाद। जल्दी से राइट आंसर लाओ। क्वेश्चन में 47 का राइट आंसर क्या होगा? 47 का राइट आंसर लाओ सभी बच्चे। क्वेश्चन में 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बदरायन हो जाएगा राइट आंसर, बदरायन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बदरायन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। बर्मा है, बर्मा क्या है? चार ऑप्शन है, वेतन, संहारक, पालनहार, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा, वेतन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। बर्मा है, बर्मा क्या है? चार ऑप्शन है, यहाँ पर बर्मा वेतन है तो और बर्मा और क्या है? चार ऑप्शन देगा, अनेक, अचेतन और अनिर्वर्णीय, और इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन 49 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे हैं ऑप्शन मशीन का 100% आनी बढ़ चनिया आज का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 वर्मा का लक्षण लक्षण क्या, वर्मा का लक्षण क्या होता है, चारों से तटस्थ निष्क्रिय स्वरूप उपयुक्त कोई नहीं। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन सी ला रहे हैं उनका 100% सही है, हो जाएगा स्वरूप, वर्मा का लक्षण जो है वह एक स्वरूप है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको पीडीएफ चाहिए educationstudy.co सर्च मारिए, आपको पीडीएफ एजुकेशन स्टडी पर मिल जाएगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहां जाकर जुड़ जाइएगा, वहां पर भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, आज का कैसा क्लास लगा सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाना। अगर नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।